Welcome back, you student, on our Career Point YouTube channel. We have already discussed our two lectures based on the electricity. This one is our third lecture. और हमारा जो last two lectures थे, उसमें हमने discuss कर चुके हैं about the charge, properties of the charge, how the body can be charged. And the second lecture में हमने discuss किया था electric potential difference and electric current. ये हमारा third lecture है. इस third lectures के अंदर हम electrical resistance से इस lecture को start करेंगे. So let's start. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये सभी के पास होता है और रेजिस्टेंस की वजह से ही जो मटेरियल्स है वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो होने का अपोज करते हैं. तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स बाय विच दे अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. ओके, एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करता है और साथ ही में वो उस मटेरियल के एटम से भी कोलाइड करता है. और जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है उस केस में इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में लिबरेट हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर जो होता है वो हीटअप भी होता है. ओके, तो जैसे ही किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसके अंदर करंट को फ्लो होने में चार्ज को फ्लो होने में ज्यादा अपोजिशन फील होगा, चार्ज लेस फील होगा, ज्यादा कोलाइड होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर ज्यादा हीटअप होगा. तो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के. तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे हीट एनर्जी भी इंक्रीज होती है. रेजिस्टेंस के ही बेसिस पर हमने काफी सारे मटेरियल्स को डिवाइड भी किया हुआ है, जैसे कि कंडक्टर. कंडक्टर्स जो होते हैं उनके कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस काफी कम होता है, जबकि जो इंडक्टर होता है उनका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होता है. ओके, यही रीजन होता है कि कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है. जैसे कि मेटल्स, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. ओके, सेकंड वन पर कॉपर आता है. सिल्वर कॉस्टली है इसलिए हम सिल्वर का ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट कॉपर का हम काफी यूज भी करते हैं. सेम केस में इंसुलेटर्स होता है, उनका रेजिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी होता है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, बेकेलाइट. तो हमारे लिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों यूटिलाइज होते हैं, दोनों हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हम अपनी लाइफ में दोनों को यूटिलाइज करते हैं. अच्छा, एक कुछ बातें हो रहे हैं उसको हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस. हम टॉपिक डाल लेते हैं. ओके, नाउ रेजिस्टेंस ही बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंडक्टर्स होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और बैटरी. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और यहां पर नेगेटिव. तो नेगेटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल. अब होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेटअप होगा और सेटअप होना स्टार्ट होगा उसी टाइम पर इस मेटल के जो एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करेंगे. यानी कि जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल. इसलिए मैंने कहा था अभी कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन उसके एटम के साथ काफी कम होता है. जबकि अगर हम किसी दूसरे एटम्स की बात करें या दूसरे मेटल्स की बात करें या फिर हम किसी इंसुलेटर्स की बात करें तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव ही नहीं कर पाते इंसुलेटर्स के अंदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाइंडेड स्टेट में होते हैं, उनको मूवमेंट करने का चांस ही नहीं मिलता. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के साथ ही हमेशा अटैच्ड रहते हैं. दैट्स द रीजन जो रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टेंस को हम मेजर भी कर सकते हैं और इसकी यूनिट भी होती है. इसकी जो बेसिकली यूनिट होती है इट इज द ओम, और इसको एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का होता है, उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. हेयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. आप इस वीडियो को पॉज कर यहां पर अपनी कॉपी करने को डिक्टेट भी कर सकते हैं. इसके ऐसा यूनिट होती है दिस द ओम, इसको सिंबलिक वर्ड ओम से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कंडक्टर्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव द वेरी लो रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली काफी लो होते हैं रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली इनसे फ्लो हो सकता है. ओके, कंडक्टर्स से काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल्स, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर. मेटल्स में भी सिल्वर जो होती है डेट इज द बेस्ट कंडक्टर. ओके, इसके अलावा वाटर, एम्प्योर वाटर कंडक्टर होता है. सिल्वर, मरकरी,
दीज ऑल आर द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दोज आर द अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटली इन्फिनिटली वेरी हाई रेजिस्टेंस। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, बेकेलाइट भी होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेकेलाइट, ओके। और जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक सिंबल है, अगर हम सर्किट में कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस का यूज करना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट को रोकना चाहते हैं, उसको अपोज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में फ्लो होने से रोकना चाहते हैं, या हम उसको लिमिटेड मैनर में लेकर आना चाहते हैं, तो वहां पर आप रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। रेजिस्टेंस का जो बेसिक सिंबल होता है इस टाइप का होता है, इट इज समथिंग लाइक दैट, ओके। और यहां पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन करते हैं, जैसे कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इस टाइप से, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट, दैट इज द ओम्स लॉ, ओके। नाउ ओम्स लॉ हमारा एक नया टॉपिक है। ओम्स लॉ जो होता है ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशन हमें प्रोवाइड कराता है। सर जॉर्ज साइमन ने इसको इन्वेंट किया था, जिसके नाम पर ओम्स लॉ गिवन है। उन्होंने अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम ओम्स लॉ कहते हैं, ओके। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, ओम्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओम्स लॉ बेसिकली सर जॉर्ज साइमन ने हमें बताया, उन्होंने अपने घर पर एक्सपेरिमेंट किया, अपने लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हमें कि कोई भी अगर कोई रेजिस्टेंस, सपोज करो ये कोई रेजिस्टेंस है, ओके, और इस रेजिस्टेंस, हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा हम बल्ब लेते हैं, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, ओके। यहां कोई बल्ब है और इस बल्ब को कनेक्ट किया है एक सेल से, और हमने यहाँ पर एक स्विच को भी कनेक्ट किया हुआ है, तो हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेट इज द हमने कंसिडर कर लिया वी। अब जो सर जॉर्ज साइमन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है घर पर, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहे। उन्होंने पहले वोल्टेज को 2 वोल्ट लिया, फिर वोल्टेज को 4 वोल्ट लिया, फिर और इंक्रीज करके 6 वोल्ट ले लिया, तो उन्होंने देखा कि करंट भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है। लेट सपोज कि जब वोल्टेज 2 वोल्ट थे उस टाइम पर करंट फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर, ओके। अब उन्होंने वोल्टेज को डबल कर दिया, डेट इज द 4 वोल्ट, तो इसी केस में करंट भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करके कितना कर लेगा, 2 एम्पियर। यहां पर डबल हुआ तो ये उसी प्रपोर्शन में करंट भी डबल। सेम केस में यहां पर अब करंट जो हो गया, वो वोल्टेज जो होगा 2 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया, डेट इज द 3 टाइम्स ऑफ 2 वोल्ट, तो इस केस में करंट जो होगा वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, डेट इज द 3 एम्पियर। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिलता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। यहां पर जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो एक रिलेशनशिप हमें यहां क्या मिला कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वोल्टेज के। तो यही उनका स्टेटमेंट है, हम देखते हैं अभी। देखो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओके। उसी को सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखो यहां पर लिखा हुआ है करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ओके। इसका अपोजिट भी होगा, अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के तो वोल्टेज भी प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के, ओके, जैसे कि यहां पर मेंशन है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके, प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है और इक्वल का साइन अटैच करना है, तो उस केस में कॉन्स्टेंट अटैच करना होता है, और यहां पर जो कॉन्स्टेंट होता है इट इज द आर एंड आई। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है वी इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, आर इज द कॉन्स्टेंट, और यहां जो कॉन्स्टेंट होता है वही कॉन्स्टेंट उस कंडक्टर के रजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आर इज ए कॉन्स्टेंट एंड डेट इज द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर आप यहां से आर की वैल्यू को इवेल्यूएट करोगे तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होगा, डेट इज द आर इक्वल्स टू
V अपॉन I। तो हम किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पता हो वोल्टेज और करंट की वैल्यू, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है। तो यहां पर रेजिस्टेंस के एक वैल्यू और यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ओम। यहां पर रेजिस्टेंस की एक और सेकंड यूनिट भी फॉर्म होती है R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर। यस, तो वोल्टेज पर यूनिट एम्पियर यानी कि वोल्टेज अपॉन एम्पियर आल्सो इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बट इट विल बी इक्वल टू द ऐसा यूनिट व्हिच इज इक्वल टू द ओम्स। ओके, तो आपको वैसे ओम्स याद रखना है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स सर, जॉर्ज साइमन ओम्स ने अपने लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उनको कैसे पता लगा, उसी को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी है और ये काफी टाइम्स एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसी को हम यहां पर देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर ओम्स ने क्या किया, अपने घर पर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप उन्होंने किया। यहां पर उन्होंने अलग अलग बैटरीज ली हुई है। लेट सपोज करो ये बैटरीज जो है सारी की सारी, ये जो सेल है इंडिविजुअल सेल 2-2 वॉट के हैं, तो सभी सेल्स को अगर आप कंबाइन इफेक्ट लोगे तो इट विल बी 8 वॉट। यस, 2 वॉट 2 वॉट 2 वॉट। हम सपोज करो इनको अलग अलग बैटरीज को अलग अलग नाम दे देते हैं, बैटरी ए बी सी एंड डी। ओके, हम सभी को 1 by 1 करके यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि बैटरी ए का हमें यूज करना है तो हम इस कनेक्शन को यूज करेंगे। ओके, सेकंड हमें बैटरी बी को यूज भी बी को भी यूज करना हो, ए प्लस बी दोनों को, तो हम इस वाले कनेक्शन को यूज करेंगे। यहां पर वोल्टेज 2 वॉट मिलने वाले हैं हमें। ओके, यहां पर हमें दोनों का कंबाइन इफेक्ट यानी कि 4 वॉट मिलने वाला है। यहां हमें तीनों का कंबाइन इफेक्ट यानी कि हमें 6 वॉट मिलेगा और यहां पर हमें 8 वॉट मिलने वाला है। यहां पर एक रेजिस्टेंस अटैच किया गया है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा। सर्किट में एक एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर इस सर्किट से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा और स्विच कनेक्टेड है, इसको हमें ऑन रखना है तभी ये सर्किट को, तभी हम इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वोल्टेज और एमीटर, वोल्टेज और करंट जो है उसके लिए उन्होंने एक टेबल ड्रॉ की। वो ये देखना चाहते थे कि एक्चुअली करंट, वोल्टेज का करंट जो रेजिस्टेंस से पास हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट आता है, यही ओम्स लॉ है। तो उन्होंने उनका जो रिजल्ट था वो बड़ा ही एक तरीके से सरप्राइजिंग रिजल्ट था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ओम्स लॉ को पब्लिश किया। यहां पर हमने लिया हुआ है, सपोज करो हम पोटेंशियल को हम लेते हैं, यहां पर वोल्टेज वो हम वेरी करेंगे और हम यहां लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अ वोल्टेज, और हम यहां लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अ करंट। अलग हम एक टेबल फॉर्म कर रहे हैं वोल्टेज और करंट की। सबसे पहले सपोज कीजिए हमने 2 वॉट की बैटरी को ऑन किया, यानी कि हम इस वाले कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। जब हम बैटरी ए को यूज करेंगे 2 वॉट सप्लाई मिल रही है, सर्किट को हमने ऑन किया, करंट ने फ्लो होना स्टार्ट किया, करंट आई फ्लो कर रहा है लेट सपोज, और करंट फ्लो होता है इस रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से फ्लो होता हुआ एम्पियर के पास आता है, अमीटर के पास आता है, और अमीटर लेट सपोज रीडिंग हमें देता है इट इज द आई। ओके, हम आई मान लेते हैं, 2 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज द आई। ओके, तो अमीटर से हमें पता लग गया वोल्टेज, अमीटर से हमें पता लगा करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आई है, दैट इज द आई करंट। ओके, और यहां पर जो वोल्टेज है वो वी वोल्ट, हमने 2 वोल्ट की बैटरी कंसीडर की थी, लेट्स सपोज इट इज अ वी वोल्ट, इट इज आल्सो वी, इट इज वी एंड वी, तो यहां से वी वोल्ट मिल रहा है, वी वोल्ट, तो ये रीडिंग भी वोल्ट मीटर की कितनी होगी, वी वोल्ट, तो ये फर्स्ट वन हमें हमारा वी वोल्ट ही मिल गया हमें। अब सपोज कीजिए उन्होंने सेकंड बैटरी को फिर से यूज किया, अब उसको कनेक्शन को यहां से ब्रेक करके उन्होंने कनेक्शन को यहां से यूज किया है, यानी कि वी प्लस वी, 2 वी वॉट बैटरी यूज हो रही है। तो जब उन्होंने देखा अमीटर के अंदर, अगर अमीटर में पहले 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा तो अब करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, वोल्टेज को डबल करने पर करंट डबल हो गया, और हमारे केस में कितना होगा, पहले आई फ्लो कर रहा था, अब फ्लो होगा 2i एट अ टाइम ऑफ व्हेन द वोल्टेज इज 2 वोल्ट। सिमिलरली जब उन्होंने वोल्टेज को 3 वोल्ट किया तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होकर हो गई, अगर 2 एम्पियर पहले आ रही थी
तो 4 एम्पियर 4 से 6 एम्पियर तो 3 टाइम्स हो गई, मतलब सेम केस में उन्होंने जब 4 वोल्ट की यूज किया तो उस केस में करंट भी 4 टाइम्स हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो करंट है डेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, सिमिलरली वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वी इक्वल टू द आई आर, डेट इज द ओम्स लॉ। उन्होंने यही नहीं रुके, जो सर जो साइमन ओम्स थे वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक कर्व भी ड्रॉ कर दिया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो करंट कर्व उन्होंने ड्रॉ किया वो इस तरीके से था, लेट सपोज इट इज द वोल्टेज, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आप देखोगे सबसे पहले यहां पर हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जो कि इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर है करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी। जब वोल्टेज V है उस केस में करंट कितना है I, तो अगर आप देखोगे अगर ये वोल्टेज V है तो यहां पर अगर हम मार्क करें तो हमें एक पॉइंट यहां मिलेगा, वोल्टेज डबल हो गया तो करंट भी 2 टाइम, तो वोल्टेज 2 टाइम तो उस केस में करंट भी 2 टाइम, तो एक पॉइंट हमें यहां कहीं मिलेगा। ओके, सिमिलरली जब वोल्टेज 3 टाइम्स है तो करंट भी 3 टाइम्स, यानी कि हमें एक पॉइंट यहां पर मिलने वाला है। और जब हम तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेटली हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है कि जो वोल्टेज है डेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, द पोटेंशियल ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो यहां पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर क्वेश्चन हमें से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेट सपोज हमसे क्वेश्चन कुछ टाइप से पूछा हुआ है कि एक वोल्टेज करंट कर्व है, डेट इज अ वोल्टेज करंट कर्व, हमारे पास जो अभी कर्व आया था वो इस टाइप का था, इस टाइप का। ओके, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, लेट सपोज एक वोल्टेज करंट कर्व है, ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है ये किसी वायर ए के लिए है और एक और कर्व ड्रॉ किया गया है बी, ये किसी वायर बी के लिए है, और आपसे पूछा गया बताइए किस वाले कर्व के अंदर किस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हायर है। तो आपको उस केस में देखना है स्लोप, यहां जो स्लोप ए है इट इज हायर देन द स्लोप ऑफ बी, इसका मतलब होगा जो रेजिस्टेंस होगा वायर ए का वो ज्यादा होने वाला है वायर बी से। तो स्लोप ऐसा क्यों हुआ कि स्लोप को हमने यहां पर कंसिडर किया, देखो जो वोल्टेज करंट का कर्व था डेट इज द वोल्टेज, लेट सपोज इट इज अ वोल्टेज वी की वैल्यू यहां पर आ रही है, उसी के रेस्पेक्ट में करंट की जो वैल्यू है आई। ओके, और हमें यह पता है कि स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहां से एंगल थीटा अगर हम यहां कंसिडर करें तो टेन थीटा जो होता है यह स्लोप होता है, आपने मैथमेटिक्स में डिस्कस किया होगा, टेन थीटा रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर आप यहां से टेन थीटा का फाइंड आउट करोगे तो टेन थीटा मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर परपेंडिकुलर जो है इट इज द इक्वल टू द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और आई जो है यहां पर इट इज द ऑन एक्स एक्सिस जो करंट है आई उसके रेस्पेक्ट में बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से टेन थीटा वी अपॉन आई होगा, और वी अपॉन आई क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आई आर होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहां से आर के लिए क्या फाइंड आउट हो रही है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V upon I एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, यानी कि जो स्लोप होगा लाइन का वो रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इसीलिए मैंने कहा है यहां पर, इसलिए हमारे आंसर निकल कर आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है A इट इज हायर देन द कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ B, देन द रेजिस्टेंस ऑफ B। ओके, इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स सी, हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जिसके अंदर उन्होंने यूज किया था, इसके अंदर आप थ्योरी देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, ये कर्व है एक्सपेरिमेंटल ओम्स लॉ का कर्व, देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने लिया, यहां पर करंट आई लिया उन्होंने, यहां पर एंगल थीटा है, दिस वन इज द थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, और यहां पर एक्स एक्सिस पर करंट रिप्रेजेंट है, तो इस केस में टेन थीटा will represent the resistance of the wire। Okay? Question इस टाइप से हो सकता है, करंट यहां चला जाए और पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पर आ जाए, उस केस में इस टाइप से यहां पर चला जाए करंट और यहां पर चला जाए
वोल्टेज, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। उस केस में आपको ये एंगल नहीं लेकर ये एंगल लेना होगा। ओके, जैसे कि अगर आपसे कह दिया ये एंगल है 60 डिग्री, ओके, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ओके, इसके अकॉर्डिंग, तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप होता है टेन थीटा, बट यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, यानी कि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो आपको इस एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो स्लोप दैट्स मीन रेजिस्टेंस इक्वल टू द 10 30, सो इट इज द 10 30, और 10 30 की जो वैल्यू होती है इट इज द 1/√3, 1/√3 ओम, सो द आंसर विल बी 1/√3 ओम ऑफ द वायर। ओके, नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.6 एम्पियर करंट है विच इज फ्लोइंग थ्रू अ बल्ब ड्यू टू अ 12 वोल्ट बैटरी। ओके, एंड आपसे को फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो सिंपल सा एक डायग्राम हम बना सकते हैं, यहाँ पर एक बल्ब है और विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ओके, विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी, एंड जब बैटरी है, बैटरी पोटेंशियल इज 12 वॉट, एंड आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बल्ब का, और साथ में गिवन है कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज 0.6 एम्पियर। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। वी नो दैट द वी इक्वल्स टू आई आर एंड आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो आपको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड कर देना है, 12 वोल्ट अपॉन 0.6, तो 12 अपॉन 0.6 ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू द 20, एंड इट इज अ रेजिस्टेंस, सो आंसर विल बी इन ओम। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। ओके, नाउ एक बात वो सुनिए, यहां पर रेजिस्टेंस 20 ओम आया है। ओके, उस केस में करंट है 0.6 एम्पियर। अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके डबल कर दें, 20 से कितना कर दें 40, सपोज करो हमने रेजिस्टेंस को 40 कर दिया, तो रेजिस्टेंस से डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस से किसको डिक्रीज होना पड़ेगा, करंट को, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल तो चार्ज फ्लोइंग की जो रेट है पहले से वो डिक्रीज हो गई, और कितनी जाएगी हाफ। तो इस केस में करंट यहां पर 0.3 एम्पियर फ्लो होगा। आप चाहो तो रेजिस्टेंस को 40 लेकर 12 वोल्ट आप यहां पर करंट के लिए को भी फाइंड आउट कर सकते हो, I = V/R से, तो आंसर सिमिलर होगा। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आस्किंग है कि इफ 50 कूलम चार्ज फ्लो पासेस थ्रू अ बल्ब इन 10 सेकंड एंड वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज 20 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है पासेस थ्रू अ बल्ब इन 10 सेकंड, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस तो हमारा भी वही फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, तो R = V/I। अब इस क्वेश्चन में हमें V तो ऑलरेडी मेंशन है, V हमें मेंशन है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 20 वॉट। ओके, 20 वॉट मेंशन है, बट यहां पर हमें करंट मेंशन नहीं है। बट करंट को फाइंड आउट करने के लिए एक हिंट दिया हुआ है कि 50 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 10 सेकंड में। तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, सो इट इज द चार्ज इज 50 कूलम, सो 50 अपॉन एंड टाइम इज 10 सेकंड, सो द करंट विल बी 5 एम्पियर। अब इस 5 एम्पियर करंट को हम यहां प्लेस कर सकते हैं, सो V/I इट इज द 20/5, सो आंसर विल बी 4 ओम। ओके, कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर इफ द रीडिंग ऑफ अ मीटर एंड वोल्ट मीटर इज 5 एम्पियर एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां इस सर्किट में इस बार ये डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर और अमीटर कनेक्टेड है, रजिस्टर का रजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। वोल्ट मीटर जिस पार्ट्स के अकॉर्ड अक्रॉस कनेक्टेड होगा उसी पार्ट्स के रेजिस्टेंस की बात की गई है। ओके, तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें दे रखी है, अमीटर की रीडिंग हमें दे रखी है, तो अमीटर हमें करंट की वैल्यू देने वाला है। करंट की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 5 एम्पियर, एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें गिवन है डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड 10 वोल्ट। सो इस केस में हम सिंप्लीफाई डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, R = V/I, तो यहां पर 10/5 आंसर होगा, डेट इज द 2 ओम। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। दैट इज द फैक्ट्री, नेक्स्ट टॉपिक है अपना।
कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक वायर का रेजिस्टेंस वायर के किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा और उस वायर के रेजिस्टेंस को हम किस किस तरीके से वेरी कर सकते हैं, उस वो ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पर और वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ऐसा क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हम डेली लाइफ का। सपोज करिए आप अपनी स्कूटी लेकर या अपनी बाइक को लेकर आप किसी स्ट्रीट से पास होते हो, ओके। अब वो जो स्ट्रीट है वो काफ़ी नेरो है तो आपको वहाँ पर मूव होने में प्रॉब्लम होगी। आप वहाँ पर मूव तो हो पाओगे लेकिन धीरे धीरे मूव होगा, आपको प्रॉब्लम होने में। सेम केस में चार्ज के साथ भी ऐसा होता है। अगर एक वायर है, वायर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है यानी कि नेरो स्ट्रीट, ओके, तो उस चार्ज को फ्लो होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। सेम केस में अगर सपोज कीजिए उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर दी जाए, तो थिकनेस को अगर हम इंक्रीज कर देंगे वायर की, तो उस केस में काफ़ी ब्रॉड एरिया चार्ज को फ्लो होने के लिए मिलेगा और चार्ज वहाँ पर इजीली फ्लो हो पाएगा। चार्ज मूविंग का डायरेक्टली कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट से और रेजिस्टेंस से, ओके। अगर किसी वायर की थिकनेस को आप इंक्रीज कर दो तो उस केस में उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सेम केस में लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सपोज कीजिए एक स्ट्रीट है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रीट है, आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, लॉन्ग स्ट्रीट से भी जाना है, एक स्ट्रीट लॉन्ग है और एक स्ट्रीट जो है थोड़ी शॉर्ट है, तो आपकी जर्नी किससे कंप्लीट हो पाएगी? शॉर्ट स्ट्रीट, यानी शॉर्ट स्ट्रीट आप जल्दी से पहुंच जाओगे, जबकि जो लॉन्ग स्ट्रीट रहेगी उसमें आपको ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, ज़्यादा परेशानी होगी। तो सेम केस में चार्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। चार्ज जब किसी लॉन्ग वायर से पास होता है तो लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है इन द कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट वायर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर की लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ इंक्रीज होती है वायर की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ओके। एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की थिकनेस के, अब जो वायर होता है एक्चुअल में हमारे पास कुछ इस टाइप का वायर होगा, ये वायर है, ओके। इस वायर की लेंथ एल है और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, समझते हो ना आप, साइड वाला जो एरिया, अगर आप वायर को देखोगे साइड से तो आपको वो स्फेरिकल सर्कुलर शेप में दिखेगा। तो ये सर्कल का जो एरिया होता है उसी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो जो कि यहाँ पर एक सर्कल है, तो ऐसे क्रॉस सेक्शन के एरिया की बात कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें, वायर की थिकनेस को इंक्रीज कर दें, तो उस केस में रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो यहां पर मेंशन ऑलरेडी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। तो इस केस में हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट्स मीन ए। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर हमें मिलता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगेन हम प्रोपोर्शनली के साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो एक इक्वल का साइन यहां पर अगर अटैच होगा, इक्वल का साइन अटैच होगा तो आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एड होगा। प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट एड होने वाला है। यहां पर जो कॉन्स्टेंट होता है इट इज द रो एल अपॉन ए, और यहां जो रो होता है ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी, इट्स अ रजिस्टिविटी, इट्स अ रजिस्टिविटी। और किसी भी वायर के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रजिस्टिविटी जो है उसको हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं अभी। रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर। वायर के आपने क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया, वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ये एटम की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअल में, ओके। तो जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
अगर आपने किसी वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया उस केस में उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो उस केस में रजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी। जबकि जो रजिस्टेंस होता है, हमने फॉर्मूला देखा भी रजिस्टेंस का, रजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रजिस्टेंस तीन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर मटेरियल अलग अलग होगा तो रजिस्टिविटी अलग अलग होगी, रजिस्टिविटी अगर डिफरेंट हो जाएगी उस केस में वायर का रजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, अगर आपने लेंथ और एरिया को कॉन्स्टेंट लिया हुआ है तब भी। एक आपने सिल्वर का वायर लिया, सिमिलर वैसे का वैसा वायर आपने कॉपर का लिया, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, फिर भी रजिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर की कम होती है। दैट्स द रीजन रजिस्टेंस कम होगा सिल्वर का, जबकि रजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है कॉपर का। रजिस्टिविटी वेरी नहीं करेगी, अगर आपने सिल्वर के वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को ज्यादा कर दिया, तो रजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन सिल्वर का जो रजिस्टेंस है वो पहले से अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी जो है बेसिकली रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, अब ये ओम मीटर क्यों आ रहा है ये भी आप देख लो। रजिस्टेंस होता है फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहां से अगर आप रजिस्टिविटी को फाइंड आउट करोगे दैट इज द आर ए अपॉन एल। ओके, अब रजिस्टेंस जो होता है इट इज इन ओम, एरिया होता है इन मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है इन मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वहां पर एक सिंगल मीटर रिमेनिंग है। तो रजिस्टेंस का जो रजिस्टिविटी जो है दैट इज द आर ओम मीटर बनकर आने वाला है यहां से। तो जो लास्ट में यूनिट होगी इट इज द ओम मीटर। रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, जो रजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है उसको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, रजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर डॉट ए अपॉन एल। ये तो फॉर्मूला है रजिस्टिविटी का। क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ वन ओम मीटर रजिस्टिविटी, व्हाट इज द मीन ऑफ वन ओम मीटर रजिस्टिविटी। तो आपको उस केस में रिप्लाई करना है कि वन ओम मीटर रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आप एरिया को यूनिट ले लें, लेंथ को भी अगर यूनिट ले लें, उस केस में उस वायर का जो रजिस्टेंस होगा वही उस वायर के रजिस्टिविटी के इक्वल होता है। अगर आप करके देख लो, अगर आपने एरिया को वन प्लेस किया, लेंथ को वन प्लेस किया, तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल आने वाली है, रजिस्टेंस के। तो उस केस में जो रजिस्टेंस होगा वही उस रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर मेटल की रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है इट इज द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स हम कुछ क्वेश्चन है रजिस्टिविटी के ऊपर विच इज बेस्ड ऑन द रजिस्टिविटी को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What will be the resistivity of a metal wire of 2 meter length and 0.6 mm in radius if the resistance of the wire is 50 ohm? हमें resistivity को find out करना है। तो resistivity का formula R dot A upon L होगा। यहाँ पर हमें R given है, resistance which is the 50 ohm, हमें L भी given है which is the 2 meter, but हमें यहाँ पर area given नहीं है, हमें wire का diameter given है which is the 0.6 mm। तो पहले हमें area find out करना होगा। एरिया वायर है तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होगा, तो एरिया बनने वाला है पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर भी नहीं है, रेडियस भी नहीं है, तो हम रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमीटर को 0.6 एमएम में। एमएम मतलब 10^-3 मीटर, तो 10.6 यहां पर एरिया कन्वर्ट हो जाएगा, 3.14 इंटू रेडियस होगी 0.6 एमएम, तो डायमीटर है तो रेडियस बनेगी 0.3, और एमएम है तो 10^-3, तो ये तो होगा रेडियस और उसका भी स्क्वायर, तो ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें यहां प्लेस कर देना है, तो रो इक्वल्स टू आर, आर इज 50 इंटू एरिया, एरिया इज 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10^-3 का होल स्क्वायर एंड अपॉन लेंथ। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ लेंथ 2 मीटर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिंप्लीफाइड है कि कैलकुलेशन मात्र रह गया है। तो कैलकुलेशन का जब आप सोल्व करोगे तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 7.06 इंटू 10^-6 ओम मीटर। मैं वापस आंसर को रिपीट कर रहा हूं, इट इज द 7.06 इंटू 10^-6 ओम मीटर, क्योंकि ये रजिस्टिविटी है। ओके, आप कॉपी कर सकते हो यहां से। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछा गया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ इट्स लेंथ When its length is stretched to double,
हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड इन द न्यू कंडीशन। ठीक है, लेट्स सी। पहले आपको गिवन है एक वायर है, क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, एक वायर है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेट सपोज ए है और उसी वायर की लेंथ लेट सपोज एल है, ओके, और रेजिस्टिविटी सपोज के लीजिए रो है। इस टाइम पर इस वायर का रेजिस्टेंस आपको मेंशन है, इट इज द रो एल अपॉन ए। अब क्या हुआ, आपसे कहा गया है कि जो वायर है इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, तो वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन में यही मेंशन है कि वायर को आपने स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पर लेंथ तो हो गई 2L, लेंथ तो डबल हो गई, लेकिन एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो डिक्रीज होकर कितना होगा, पहले से हाफ। रेजिस्टिविटी चेंज होगी नहीं, क्योंकि मटेरियल आपने चेंज नहीं किया है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया है कि न्यू रेजिस्टेंस, सपोज करो ऐसा आर डैश कह देते हैं, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले के कंपैरिजन में कितना होगा, ओके, क्या डबल हो गया, क्या फोर टाइम्स हो गया, क्या डिक्रीज होकर 1/4 रह गया, वो आस्किंग है क्वेश्चन के अंदर। तो सिंप्लीफाइड हम वो भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर आर डैश को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो R डैश इक्वल्स टू रो L डैश, L डैश इज द न्यू लेंथ अपॉन A डैश, A डैश इज द न्यू एरिया, ओके, इन न्यू केस। सो R डैश इक्वल्स टू रो, ये चेंज नहीं हुई है, L डैश, L डैश अब कितना होगा पहले से 2L, तो आपको यहां मेंशन करना है 2L अपॉन A डैश, A डैश कितना होगा पहले से A बाय 2, तो यहां पर आपको मेंशन करना है A अपॉन 2। अगर आप सिंपली फाइट करोगे आप इसे, तो दो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इट इज द 4 रो एल अपॉन ए, ओके। सो ये आर डैश की वैल्यू आ रही है, आर डैश इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन ए, एंड मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर डैश इक्वल्स टू 4 रो एल अपॉन ए, एंड रो एल अपॉन ए क्या है, इट इज इक्वल टू द आर, रो एल अपॉन ए आर के इक्वल है, तो रो एल अपॉन ए को मैंने रिप्लेस कर दिया विद आर, रो एल अपॉन ए को आर से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया आर डैश इक्वल टू द 4R, यानी कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होने वाला है वायर का वो प्रीवियस केस से 4 टाइम्स ज्यादा होगा, ओके। अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम रहा होगा तो इसका 8 ओम हो जाएगा, समझ में आया, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स एक्स एंड वाई, दोनों वायर अलग अलग है, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैव रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:2, दो वायर है, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर है और उनकी रेडियस का रेशियो गिवन है 1:2। लेट सपोज हम वायर को ए और बी कह देते हैं, तो वायर ए, दिस इज अ वायर ए एंड दिस वन इज द वायर बी, ओके। तो रेडियस का रेशियो यानी कि आर ए अपॉन आर बी हमें गिवन है, रेडियस का रेशियो आर अपॉन आर बी अपॉन गिवन है 1/2, ओके। लेंथ इन द रेशियो 1:3, तो दोनों वायर की जो लेंथ है एल ए अपॉन एल बी, लेंथ का रेशियो वो मेंशन है 1:3 यानी कि 1/3, एंड रेजिस्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 3:1, वायर अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग है, तो रेजिस्टिविटी का रेशियो है रो ए अपॉन रो बी का रेशियो विच इज 3/1, ओके। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, आपको इनके रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा पहले वाले का रेजिस्टेंस अपॉन सेकंड वाले का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, तो रो ए एल ए अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए अपॉन ये वाला अपॉन है रो बी इंटू एल बी अपॉन ए बी, ओके। इसको आप जब सिंप्लीफाइड सोल्व करोगे तो यहां देखना ये चेंज हो जाएगा रो ए इंटू एल ए अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए ए इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा ए बी अपॉन रो बी इंटू एल बी। अब बस आपको सिंप्लीफाइड यहां पर वैल्यूज प्लेस करनी है, रेशियो ऑफ आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू रो ए अपॉन रो बी, ठीक है, देखो यहां पर रो ए मेंशन है, यहां पर रो बी मेंशन है, रो अपॉन रो बी की वैल्यू प्लेस करनी है, और रो अपॉन रो बी कितना हमारे पास, डेट इज द 3/1, ओके। तो यहां से ये रो ए रो बी हमने ले लिया है,
नाउ एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी, तो एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू रखनी है, दैट इज द 1/3, तो अगेन 1/3 एल ए अपॉन एल बी, देन ए बी अपॉन ए ए, ए बी अपॉन ए ए की वैल्यू प्लेस करनी है, तो यहां पर हमारे पास गिवन है ए बी एरिया, ओके, तो एरिया अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो हमें एरिया का भी फाइंड आउट, रेशियो फाइंड आउट करना होगा, यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वन अपॉन ए टू, हमारे पास रेडियस का रेशियो गिवन है ना, तो ए वन अपॉन ए टू बनेगा एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लोर यानी कि पाई आर वन का स्क्वायर अपॉन पाई आर टू का स्क्वायर, यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिमेनिंग होगा आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर, तो आर वन अपॉन आर टू यानी कि आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बनने वाला है 1/2 का होल स्क्वायर और ये चेंज हो जाएगा 1/4 में, यानी कि जो एरिया का रेशियो है इट इज द 1/4, ये ए बी अपॉन ए है और हमने निकाला है यहां पर ए ए ए अपॉन ए बी है, ये टू को मैंने बी कंसिडर किया है, तो ए ए अपॉन ए बी हमारे पास आया 1/4 और हमें प्लेस करना है ए बी अपॉन ए, तो ये 4/1 प्लेस होगा, ओके, रेसिप्रोकल करके प्लेस करना है, जब आप सोल्व करोगे तो द आंसर विल बी 4/1, यानी कि जो दोनों का रेशियो है आर ए रेशियो आर बी वो आंसर होगा हमारा 4:1, ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अवर थर्ड लेक्चर, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, थैंक यू।